एक ऐसी शादीशुदा महिला जिसने अपने प्रेमी को मालामाल करने की नीयत से रच डाली अपने ही घर में अपने प्रेमी के साथ मिलकर डकैती गैंगरेप की झूठी साजिश। आखिरकार पुलिस के अफसरों ने मोबाइल सर्विलेंस के जरिए पीड़ित महिला और उसके प्रेमी को समाज के सामने बेनकाब करते हुए धोखेबाज पत्नी की साजिश का खुलासा करते हुए पुलिस ने राहत की सांस ली है। धोखेबाज पत्नी की साजिश की दास्ता है बिजनौर के रायपुर सादात की, जहां पर बीती रात घर में अकेली महिला ने घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों पर डकैती डालने के बाद नशीला पदार्थ पिलाकर बारी बारी से अज्ञात बदमाशों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। साथ ही जलती सिगरेट से जिस्म को जलाने का पुलिस और अपने पति से आपबीती सुनाई थी। हालांकि पुलिस ने पीड़ित महिला के पति की तहरीर के मुताबिक अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गैंगरेप जैसी संगीन अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अज्ञात बदमाशों की पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुट गई थी। इधर आंखों देखी महिला बेसुध नजर आ रही थी। लगभग 8:30 बजे नगीना देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर सादात के एक मोहल्ले में एक मकान में शुरुआत में जो सूचना मिली थी वो मिली थी कि चोरी की घटना हुई है। उस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी गए, उसके समय बाद सीओ साहब भी गए। वो दोपहर में एक तहरीर दी गई कि घर में डकैती हुई है और घर में जो पीड़िता थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया और सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। विवेचना के क्रम में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो ये पीड़िता है, पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है पुष्पेंद्र चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे, उसका ये मित्र है और ये फ़ोन पे निरंतर बात करते रहते थे। विवेचना के क्रम में ये भी आया प्रकाश में, जो 19 अक्टूबर को चोरी की घटना हुई थी उस समय भी ये व्यक्ति घर पर आया था और एक लगभग इंटरोगेशन में निकल के ये आया कि लगभग 40,000 रुपये चोरी करके।